हेलो अंकिल जी नमस्ते। बे, नमस्ते। कौन? कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। जानता हूँगा कि अच्छा, आप मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन कई लोगों को फ़ोन लगा रहा था, उनने फ़ोन काट दिया। अगर आपके पास 2 मिनट का समय हो तो अपना एक कुछ शेयर करना चाह रहा था मैं। हाँ बोल भाई, बोल, जल्दी बोल यार, जल्दी। ऑफिस के लिए हाँ, तैयार हो रहा हूँ मैं। मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो बॉडी है ना, हाँ वो थोड़ा सा पतला है। अच्छा, अबे मैंने सोचा तो कुछ लेता क्यों नहीं है तू? मैं सुनो तो, मैं तो जाता था, जब वज़न करने के लिए रेलवे स्टेशन पे खड़ा होता था ना, अच्छा तो जो वज़न की मशीन होती थी हाँ उसमें से आवाज़ आती थी कि बेटा कुछ खा के चढ़ो तो वज़न किसका दें। हाँ तो तो सुबह सुबह केले खाया कर ना तू, केले सुनो, खाया कर। और उसके लिए फ़ोन ही नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि मैं पतला हूँ, तो मैं एक दिन सड़क से जा रहा था, क्योंकि मेरी अच्छा मम्मी ने कहा था कि जाके सब्जी ले आ। अच्छा 6 किलो आलू मंगाए थे मुझसे, अच्छा मैं घसीट घसीट के ला रहा था क्योंकि मैं पतला हूँ, उठा नहीं पाता। अच्छा फिर मैं ला ही रहा था कि एक सिग्नल के पास से मैं गुजरा, तो एक लंबी गाड़ी रेड कलर की अच्छा आके खड़ी हो गई, और उसमें से एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की। कैसी लड़की? सुंदर सी, खूबसूरत। खूबसूरत, खूबसूरत। वो उतरी मेरे तरफ देखते हुए, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मेरे हाथ से झोला छूट गया। वो मुझसे अच्छा कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप नज़दीक आ सकते हैं? मैं तुरंत पॉकेट में हाथ डाला। क्यों, जेब में हाथ को डाला तूने? हाथ जेब में डाला कंघा निकालने के लिए। मैंने अपने बाल अच्छा सेट किए, लड़की के पास गया। लड़की मुझसे कहती है, आप मेरी गाड़ी में बैठ सकते हैं? मेरे मन में अच्छा लड्डू फूटा। मैं गाड़ी में अच्छा अच्छा बैठा, मुझे अपने बंगले के पास ले गई। बड़ा ही खूबसूरत बंगला था। अच्छा बंगले के अंदर नौकर चाकर, मैं सोफे पे बैठा, वहां से 2 बच्चों का हाथ पकड़ते वो लेडीज आई। अच्छा वो कहती है, ये मेरे बच्चे। धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। मैंने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनका दूसरा बाप बनने को तैयार हूँ। लेकिन फिर उस लड़की ने क्या कहा पता है? क्या कहा? उसने कहा कि बच्चों, ये देखो अंकल को। मैं ना कहती थी दूध नहीं पियोगे तो पतले हो जाओगे, ऐसे ही पतले रहोगे दूध नहीं पियोगे तो। ये दिखाने के लिए मेरे को धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। बाद में मेरे हाथ में 50 रुपए रख के कहती है, बाहर छोले कुलचे खा के वहीं से बस पकड़ के निकल जाना। ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है? गलत मत बोलिए ना। अब एक तो लड़की ने मेरा तोड़ दिया, अबे मेरा दिल। तो लड़की ने तेरा दिल तोड़ा तो मैं तेरी तोड़ूं वहीं पे आगे। क्या गलत बोल रही है। मेरे को असली तकलीफ क्या है पता है? अच्छा, उन लड़की के चक्कर में जो झोला छोड़ दिए थे, 6 किलो आलू थे उसमें, उसमें टमाटर तो नहीं देना? नहीं टमाटर तो नहीं थे। क्योंकि टमाटर टमाटर वैसे ही बहुत महंगे हैं। ए बेटा, तू भी जोक मार रहा है क्योंकि मैं भी जोक मार रहा हूँ, गरीब गरीब है चट। तेरी ले गई, ठीक है? गंदा मत बोल। गलत बे फोन रख दे सुबह, ठीक है? बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुआ बोलंगी। नमस्ते हेलो, अंकल जी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। कौन? बाप लग रहे हो, बेटा बोल रहे हो? अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है, अंकल लग रहा हूँ तुझे। सॉरी। आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ हाँ बता। मैं कह रहा था, हाँ, आपने गैलीलियो कलासनिको की किताब पढ़ी है? गैलीलियो? गैलीलियो कलासनिको? नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ी। हाँ, पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी नहीं अरे पागल है क्या? है। आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना एक करवाएगा। कौन? आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? जिम टॉरेंट नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी नहीं है। अरे क्या बस एक एक सेकेंड, एक सेकेंड। आपने हाँ, बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान? मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं, इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे क्या उसमें पागल वाले काम कर रहा है, एक तभी तेरा कोई सेकेंड, फोन नहीं उठा रहा है। एक सेकेंड। आपने अल्फर्ड हाँ सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फर्ड सत्तू? अब तो बोल दे, उसने भी नहीं छपवाई होगी। नहीं, उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तू तो बहुत ही आदमी है यार, कहाँ तो पढ़ता था गलत तू, तो बोल मेरा रहे कौन आता? हैं। एक सेकेंड, आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ? उसने भी एक ही कॉपी छपवाई होगी। नहीं, उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं, बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे
एक भाई सर सॉरी एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन एलेक्स निरंजन और तू मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या, फिर तो आप ही अनपढ़ हैं ऐसा लग रहा है मुझे। आगे डिग्री देख ले, सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ, 10 डिग्री पढ़ी है। बाबरी तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा, मैं क्या करूँ बता। एलेक्स निरंजन और तू भी चला जा के चूल्हे में। मुझे अनपढ़ बोल रहा है। ओ माय गॉड, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बहुआ बोलो नमस्ते। एक भाई साहब ने टॉपिक देते हुए कहा कि इम्तिहान जो होता है, एग्जाम जो होता है, वो अक्सर टीचर बच्चों का लिया करते, लेकिन यही मौका अगर बच्चों को मिल जाए तो बच्चे किस हद को पार कर सकते हैं, ये बहुआ ने टेस्ट किया। कैसे? ये देखो मजे लिए मैंने अंकिल के। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन जी? बहुआ बोल रहा हूँ। क्या काम है बता? दो मिनट होंगे आपके पास? इससे बात करनी है, ये बता जी बोल रहे हैं, मैथ सिखाते हैं आप? गणित? हाँ सिखाता हूँ, बता। पढ़ाते हैं बच्चों को? हाँ बता, पढ़ाता हूँ मैं। और वो पढ़ते भी हैं? तो चाहता क्या है? मैं भी मैथ्स पढ़ना चाहता हूँ, पापा ने बोला कोई अच्छा टीचर पकड़ ले। तो क्या मैं फोन पे पढ़ा दूँ तेरे को? नहीं फोन पे नहीं, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको पापा से मिलाऊँ, हेलो, मैं खुद ये देखना चाहता हूँ कि आप पढ़ाने के लायक हैं या नहीं। ओ नालायक, मेरी पढ़ाने के वो देख रहा है तू है? सुनिए मेरे 3-4 सवाल हैं, अगर आप उसके जवाब दे दें तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि आपको मैच आती है। अब गाली सुनने का काम नहीं, दिमाग खराब कर रहा है। हेलो सॉरी अंकिल, गलती से फोन कट गया था। अबे गलती से फोन नहीं कटा था, मैंने काटा। अच्छा सॉरी, ठीक है, और कटने का काम कर रहा है। गॉड नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, 3-4 सवाल बता दो ना, पता चल जाएगा मैच आती है नहीं आपको। अबे मैं गायब उम्र रहा है तू है? सॉरी, आप जवाब दे देते तो बात खत्म हो जाती है। जल्दी सवाल पूछ, जल्दी। हाँ जल्दी पूछो, मारे नहीं 3-4 सवाल है, ठीक है? पहला सवाल, अगर मेरे पास 6 टॉफी हैं, मैंने 2 इसको दे दी, 3 उसको दे दी और 1 इसको दे दी, तो मेरे पास कितनी बची? तेरे पास तो 1 भी नहीं बची। ऐसा नहीं है? फिर कैसा है? मैंने 2 टॉफी पैंट में छुपा रखी थी, पॉकेट में, मैंने बताया नहीं। अगला सवाल, अगर मेरे पास 4 टॉफी है और मेरे क्लास में एक लड़की है श्वेता, जल्दी बोल, मैंने वो 4 टॉफी अगर उसको दे दी तो मेरे को क्या मिला? तेरे को मिला नहीं, सच्ची बताइए क्या मिला? तेरे को नहीं मिलेगा ना कुछ भी। कुछ नहीं क्यों, मुझे तो गर्लफ्रेंड मिलेगी। ए अगला सवाल पूछ रहा हूँ, 80 और 90 कितने होते हैं? 170 होते हैं, बोल। नहीं 170 नहीं, गलत जवाब, 100 होते हैं। 100 कैसे होते हैं? अकड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 फूटे तो 170 कैसे? गलत बोल रहा हूँ, मेरे हाथों से टाइम खराब हो रहा है। अभी से मारने की बात कर दी, मैं टीचर नहीं रखूंगा। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, 2 और 2 5 कैसे होते हैं? अबे मेरे को नहीं पता। मैं बताता हूँ ना, बता। गलती से होते हैं। अबे गलती से तू हो गया। अच्छा, इंडियाज नंबर 1 RJ रौनक ने बहुआ बन के आज क्या मजे लिए, लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो फिर बजाओ। नमस्कार, क्या हाल चाल है? किसी भाई साहब ने मेरे को टॉपिक दिया कि बताओ टीचर अच्छा होता है, डॉक्टर अच्छा होता है या इंजीनियर। मैंने कहा मैं फोन लगा के भाई साहब को यही समझाऊंगा, उनके मजे लूंगा। कैसे लिए? ऐसे। हेलो मम्मी, मैं आके बात कर लूंगा ना आपसे। हेलो, 2 मिनट दे दो, मैं अभी आता हूँ, बात करता हूँ, आप चिल्लाओ मत थोड़ा भी। हेलो, कुछ नहीं होने दूंगा मैं, आज आपका और पापा का रिश्ता हमेशा अमर सिंह रहे, सॉरी अमर रहे। हेलो, हाँ मम्मी अभी आता हूँ ना मैं। अरे मम्मी किससे बात कर रही है, हमसे ही बात कर ले। ठीक है भाई। नमस्ते जी अंकिल। हेलो, हेलो, घर पे इतना बड़ा झगड़ा हो गया, मतलब आप बात ही नहीं सुन रहे। तो हम जो हमारे पास फोन कर दिया, झगड़ा हो गया। मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या झगड़ा हो गया? मम्मी कह रही पापा के साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि पहले से उनकी एक पत्नी है जिनका नाम रानी है। तो पापा ने बोला, मैंने तो पहले ही बताया था। अच्छा, कि तुझे रानी की तरह रखूंगा।
मम्मी को लगा डानी की तरह रखूं, वो डानी की तरह रख रहे हैं, वो पहली बीवी है दूसरी, तो इसी बात में मम्मी भड़क गई। रख लो, गलत मत में बोल, मेरी अच्छा। मेरी बात सुनो। सुनाओ। मेरा कल दोनों कान जल गया। अच्छा, तो कान कैसे जल गया, मैं क्या ना प्रेस कर रहा था अपना जांघिया, अचानक फोन बज गया। अच्छा, तो फोन की जगह मैंने इस्त्री उठा के कान पे रख लिया। अच्छा, तो दोनों कान कैसे जल गया? नहीं, फिर एक फोन लगाना था एम्बुलेंस को भी ना, कान जल गया इसके लिए। आदमियों की कमी है। ए, गलत मत ना बोल। अच्छा, समझदार सबसे ज्यादा कौन होता है, डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर, बताओ? इंजीनियर। गलत जवाब, सबसे ज्यादा समझदार टीचर होता है, लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैं टीचर, बताऊं क्यों? एक बार सुनो, 10 इंजीनियर, 5 डॉक्टर और 1 टीचर हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, उसमें वजन ज्यादा हो गया, पायलट ने बोला कि सब लोग रस्सी से लटक जाओ, है ना, तो वजन शायद कम हो जाए, सब लोग रस्सी से लटक गए, फिर पायलट ने बोला ना किसी को तो कूदना पड़ेगा वरना प्लेन क्रैश हो जाएगा, फिर टीचर ने बोला कुर्बानी मैं दूंगा, क्योंकि हर वक्त टीचर कुर्बानी देता है, डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए भी टीचर कुर्बानी देता है, मेहनत करता है कि नहीं? बिल्कुल। फिर टीचर ने बोला मैं कुर्बानी दूंगा, बच्चों मेरी कुर्बानी पे बजाओ ताली, बजा दी ताली, डॉक्टर इंजीनियर ने बजा दी ताली रस्सी छोड़ के, कौन बचा? डॉक्टर इंजीनियर ने बजा दी। कौन समझदार है ज्यादा? अरे वाले, ए बस फोन लगा रहा है, अरे टीचर के लिए बजाओ ताली, बस फोन काट दिया। दिन भर मुस्कुराओ, मॉर्निंग से शुरू हो जाओ, मुस्कुराते रहो विथ इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। भाई वसीम भाई ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कहते हैं बउआ भाई एक बात समझ में नहीं आई, हमेशा लोग फोन उठा के पहले हेलो ही क्यों बोलते हैं? बउआ ने इस बात पे क्या मजे लिए, सुनिए। हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया, आप सुनाओ, आप कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? ये सब बताऊंगा, लेकिन एक चीज ध्यान दिया आपने? नहीं, क्या? आपने फोन उठा के क्या बोला सबसे पहले? हेलो। करेक्ट। और उसके बाद जब मैंने पूछा और बताइए क्या हाल चाल है? बढ़िया। बढ़िया बोला, तो फोन उठा के हेलो क्यों बोलना है? सीधा फोन उठा के आपको खुद ही बोल देना चाहिए और सब बढ़िया। भाई ना जान ना पहचान, हेलो ही बोलूंगा। प्लीज मेरे लिए थोड़ा ना इस प्रैक्टिस को लोगों को बदलना चाहिए, फोन उठा के सीधा बोलो और बढ़िया। अच्छा भाई, तू काट के दोबारा कर ले। वापस लगा रहा हूँ, एक सेकंड में। हेलो यार, फिर से हेलो बोल रहे हो? अरे भूल गया यार मैं, सॉरी। ठीक है, वापस मिला रहा हूँ, सीधा फोन उठा के क्या बोलना है? और बढ़िया, तू बता। बहुत बढ़िया, वापस लगा रहा हूँ। और भाई बढ़िया? ओ बढ़िया, धनिया कर दूंगा तेरे जीवन में, कब करवाएगा रिचार्ज मेरा? कौन बे? बे बे करके बात ना करे, बताओ सर कौन है? टर्मिनल पे खड़ा हूँ, जहाज भेज दूंगा घर पे। भेज सिलेंडर तेरी। अच्छा, ये सीखा तूने स्कूल में जाके? बढ़िया बढ़िया, तैसे बोले तेरे जीजा हूँ मैं, तेरा बाप बोल रहा हूँ। बढ़िया। हेलो यार, फिर आप हेलो बोल रहे हैं? अरे तूने बोला फोन करूंगा मैंने, बढ़िया बोला तूने, पता नहीं किससे बात करा दी मैंने, जब आपको लगाया ना आपका वेटिंग पे आ रहा था, आप किसी से बात कर रहे थे, तेरा ही फोन था खाली मेरे को। प्लीज मेरी खातिर एक बार और फोन उठा के सिर्फ बहुत बढ़िया बोलना आप, ठीक है? प्लीज। और भाई बढ़िया? ओ बढ़िया, धनिया छल्ले तेरे को समझ नहीं, एक बार में तू कौन है, बार बार फोन, बार बार फोन मिला देता, बार फोन मत कर, दिमाग खराब। बढ़िया, तो कहाँ से सीख रहा है बढ़िया ये सब? बताओ तेरे को सारे दुनिया टीवी मिल। हेलो यार, फिर आपका फोन बिजी है। तेरी बार बार फोन मत मिला, सारे पता नहीं किस किस से बात करा रहे। क्या हुआ? पता नहीं किस किस से बात करा रहे आपको, क्या इस आदमी का फोन आया था क्या? ओ बढ़िया धनिया, तू से मेरी बात दोबारा फोन मत, तुम दोनों बढ़िया सी, गंदा मत बोल और सब बढ़िया। फोन काट, बस काट, देखो Red FM Morning Number 1 रौनक के साथ Monday to Saturday सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 Red FM, बजाते रहो।